अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करूंगी। ये स्किन में ग्लो लेकर आएगा, स्किन का कलर फेयर करेगा, स्किन में जो दाने वगैरह निकलते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, स्किन में एक शाइन लेकर आएगा। तो इसे आप बनाइएगा। तो चलें बनाते हैं फेस स्क्रब। फेस स्क्रब बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 5 से 6 बादाम लिए, 3 टेबल स्पून मूँग की दाल है, 3 टेबल स्पून मसूर की दाल है और 3 टेबल स्पून बेसन है। ये केनू का छिलका पिसा हुआ है, ये केनू के छिलकों को मैंने सुखा के और पीस लिया था और ये थोड़ा सा दूध है। अब मैं बादाम को और ये मसूर की दाल और मूंग की दाल को, इन तीनों चीज़ों को मैं बारीक पीस लूँगी। इसे मैंने बारीक पीस लिया है, बिल्कुल बारीक हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये 3 चम्मच बेसन डालूंगी इसके अंदर, ये केनू का छिलका है पिसा हुआ, मैंने इसको सुखा के और पीस लिया बारीक। इसे मैं 4 चम्मच डालूंगी, ये अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी भी मिला रही हूँ इसमें, मैं हल्दी भी मिला के आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें। स्किन के लिए हल्दी भी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से फेस पे लगाना है और दूध किस टाइम पे शामिल करना है। 1 चम्मची मैंने स्क्रब लिया है, ये खुश्क दूध है, 1/2 चम्मच खुश्क दूध लिया है मैंने, इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारा ड्राई स्क्रब तैयार हो गया। इससे आप फेस मास्क भी बना सकते हैं। मैं इसे इसमें इसे 1 चम्मच लूँगी। मैंने 1 चम्मच फेस स्क्रब लिया है और मैं इसमें से 2 चम्मची दूध डालूँगी। आप खुश्क दूध भी ले सकते हैं और पानी से घोल लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए, अब आप इसे फेस पर अप्लाई करें। आप इस तरह इसका मास्क लगा लें। और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे छोड़ दें। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको फेस को आहिस्ता आहिस्ता रब करके और फेस वॉश कर लें। मैं इसे एक जार में भर के रख लूँगी। इस स्क्रब से आपका कलर फेयर होगा, स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और पिंपल्स या दाने वगैरह जो निकलते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इसे आप इस्तेमाल करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।